पीलीभीत तहसील अमरिया मेन मार्केट कस्बा अमरिया में आज तहसीलदार अमरिया और खाद्य पूर्ति अधिकारी के द्वारा मार्केट का औपचारिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रोड पर लगा हुआ अतिक्रमण हटाया गया और किराना की दुकानों का निरीक्षण करते हुए तहसीलदार ने दुकान वालों को हिदायत दी कि किसी भी तरह का कोई एक्सपायर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पूर्ति अधिकारी ने खाद्य सामग्री का स्टॉक भी चेक किया। रियाज अहमद की रिपोर्ट। ललितपुर एक्सीडेंट। ललितपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस पलटने से 6 लोगों की मौत और 36 घायल, सीएम योगी ने जताया शोक। सरकार आपके द्वार, यूपी के सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक एक मंडल की जिम्मेदारी, सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को राहत, फिरोजाबाद कोर्ट ने 8 साल पुराने बवाल के मामले में किया बरी। तिकुनिया हिंसा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई आशीष मिश्र की पेशी, 10 मई को अगली सुनवाई, जानिए क्यों तय नहीं हो सके आरोप। आरोपी आशीष मिश्र, मोनू व अन्य पर मंगलवार को भी आरोप तय नहीं हो पाए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सरकारी वकील आपत्ति पेश नहीं कर पाए। मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। दिल्ली लाजपत नगर की अमर कॉलोनी में इमारत में लगी आग, दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उत्तराखंड सीएम धामी बोले, प्रदेश में समान नागरिकता कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, 1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल, अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा। यूपी रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति न होने पर सीएम योगी सख्त बोले, जो भी व्यवस्था जरूरी हो वह तत्काल की जाए।